हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो इस सेशन में हम 50 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 50 से ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। ऑप्शन ए इज प्रोलिफरेशन, ऑप्शन बी इज प्रमोशन एंड ऑप्शन सी इज प्रोपेंसिटी एंड ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज पॉसिटिव। ओके, तो रैपिड इंक्रीज तेजी से बढ़ना इन द नंबर और अमाउंट किसी भी चीज की ऑफ समथिंग किसी भी चीज की संख्या या मात्रा में तेजी से वृद्धि होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज प्रोलिफरेशन, ऑप्शन बी इज प्रमोशन, ऑप्शन सी इज प्रोपेंसिटी एंड ऑप्शन डी इज पॉसिटिव। ओके, टेक योर टाइम। ओके, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका मीनिंग है प्रोलिफरेशन का मीनिंग प्रसार, प्रमोशन का मीनिंग है प्रोन्नति, किसी जॉब में जो प्रमोशन होता है, पद में उन्नति, पदोन्नति। प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है झुकाव एंड पॉसिटिव, पॉसिटिव का अर्थ होता है कमी। तो यहां पे पॉसिटिव ऑप्शन होगा नहीं, प्रमोशन भी नहीं होगा, प्रोपेंसिटी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि झुकाव से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोलिफरेशन ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग इन एयर, हवा में रहना। लिविंग इन एयर, ऑप्शन ए इज हेवनली, ऑप्शन बी इज पृथ्वी, ऑप्शन सी इज एरियल एंड ऑप्शन डी इज विजुअल। ओके, टेक योर टाइम। आइए देखते हैं हवा में रहना, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इसका मीनिंग है खगोलीय, अंतरिक्ष से संबंधित। पीदरी मीन्स होता है बहुत ही हल्का, पंख के समान। एरियल मीन्स होता है आसमानी, आकाशीय। और विजुअल, विजुअल का अर्थ होता है दृश्य संबंधी, दिखने से संबंधित, है ना। जैसे कि आप टीचिंग मेथड में विजुअल यूज कर सकते हैं, है ना, पाठ्य सामग्री कह सकते हो विजुअल को, कोई भी चीज जो दिखने के लिए आप लगा दीजिए दैट इज कॉल्ड विजुअल। तो लिविंग इन एयर का जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट हो जाता है, एरियल, आकाशीय, हवा में रहना, है ना, आसमान में रहेगा तो फिर वो हवा में ही रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर को नापने का यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है थर्मोमीटर एंड द सेकेंड ऑप्शन इज गिवेन वोल्टमीटर।
एंड द थर्ड ऑप्शन इज गिवेन अल्टीमीटर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गिवेन बैरोमीटर. ओके टेक योर टाइम. थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के या फिर एनिमल की बॉडी के टेम्परेचर को हम नापते हैं. थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. ओके वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वोल्ट को इसमें नापते हैं वोल्टमीटर से. और एल्टीमीटर क्या होता है? इट इज यूज टू मेजर हाइट, ऊंचाई मापने का है. डी ही ऑप्शन बचा है, बैरोमीटर. बैरोमीटर है ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायु की दाब को मेजर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर को वायु दाबी मापी यंत्र. तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स. ऑप्शन ए इज गिवेन आर्कियोलॉजी एंड बी इज गिवेन सेफोलॉजी. ऑप्शन सी इज गिवेन एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज जियोलॉजी. टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू. आइए देखते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान. सेफोलॉजी क्या होता है? चुनाव विश्लेषण का विज्ञान. एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विज्ञान. जियोलॉजी क्या होता है? भू विज्ञान. तो ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को कौन स्टडी करता है, कौन सा साइंस स्टडी करता है? एक्सकेवेशन मीन्स होता है खुदाई करना, एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, खुदाई करके पता लगाना, टू डिस्कवर बाय डिगिंग. खुदाई करके पता लगाते हैं किससे? आर्कियोलॉजी से ही. पुरातत्व विज्ञान. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस. इस पे आपको ध्यान देना है, टू लैंग्वेजेस. ऑप्शन ए इज गिवन मोनोलिंगुअल, ऑप्शन बी इज गिवन मल्टीलिंगुअल, ऑप्शन सी इज गिवन लिंग्विस्ट एंड ऑप्शन डी इज गिवन बाइलिंगुअल. ओके टेक योर टाइम. A person who can speak only two languages. ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दो ही भाषाएं बोल सकता है. ऑप्शन ए दिया गया है मोनोलिंग्वल, ऑप्शन बी दिया गया है मल्टीलिंग्वल, ऑप्शन सी दिया गया है लिंग्विस्ट और ऑप्शन डी इज गिवन बाइलिंग्वल. लिंग्विस्टिक जो है वो किसको बोलते हैं? जो भाषा के जानकार होते हैं उनको लिंग्विस्टिक बोलते हैं. मोनो और मल्टी और बाई. मोनो का मतलब होता है सिंगल, मल्टी का मतलब होता है मेनी, कई, और बाई का मतलब होता है टू, है ना, जैसे बाई साइकिल, बाइक, है ना. मोनो मीन्स सिंगुलर एंड बाई मीन्स डबल. तो यहां पर बाइलिंगुअल मीन्स द्विभाषी होता है, मल्टीलिंगुअल होता है बहुभाषी, मोनोलिंगुअल होता है एक भाषी, और लिंग्विस्ट होता है भाषा के जानकार, है ना. हु स्टडीज लिंग्विस्ट या हु स्टडी लैंग्वेजेस. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A place for storing guns and military equipment. ऐसा स्थान जहां पर स्टोर किया जाता है गन्स को और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को.
सेना के औजारों को, इक्विपमेंट्स को और उनकी गन्स को स्टोर किया जाता है कहां पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए इज गिवन एपियरी, ऑप्शन बी इज गिवन आर्सेनल, ऑप्शन सी इज गिवन आर्चीफ एंड आफ्टर, ऑप्शन डी इज गिवन एवियरी। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। शाला, मधुमक्खी शाला, एंड ऑप्शन बी इज आर्सेनल, शस्त्रागार, जहां पर शस्त्रों को रखा जाता है। आर्चीव, लेखागार, जहां पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। एंड एवियरी, पक्षियों को जहां पर पाला जाता है, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका मिल गया, शस्त्रागार, आर्सेनल। नेक्स्ट इज वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन ए इज बाइब्लियोफाइल, ऑप्शन बी इज पेडोफाइल, ऑप्शन सी इज जेनोफाइल एंड ऑप्शन डी इज हेमोफाइल। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। होते हैं शुष्कता अनुकूल पौधे, जो ड्राई एरिया में जो अनुकूल पौधे होते हैं, जो वहां पे डेवलप हो जाते हैं। और हेमोफाइल होता है, हेमोफाइल होता है अत्यधिक रक्तस्राव, है ना, टू मच ब्लीडिंग, इस है हेमोफाइल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा स्थान जहां पर फ्रूट ट्रीज को उगाया जाता है, फल वाले पेड़ों को जहां पर उगाया जाता है। ऑप्शन ए इज गार्डन, ऑप्शन बी इज गिवन प्लांटेशन, ऑप्शन सी इज ऑर्चार्ड एंड ऑप्शन डी इज फार्म। ओके, टेक योर टाइम। चलिए देखते हैं, गार्डन क्या होता है। गार्डन में किसी भी तरह के प्लांट्स को उगाया जाता है, चाहे वो फ्लावर वाले प्लांट हो और चाहे फ्रूट वाले प्लांट। ऑर्चार्ड क्या होता है, ऐसी जगह होता है जहां पे सिर्फ फ्रूट ट्रीज को ग्रो किया जाता है, फल वाले पौधों को जहां पर लगाया जाता है उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं। प्लांटेशन मीन्स होता है पौधों को लगाने की प्रक्रिया, और फार्म मीन्स होता है खेत। तो खेत में तो खेती होती है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में पीछे देखना, ऑन पास्ट टाइम है ना, पीछे, पास्ट टाइम में लुकिंग बैक करना। ऑप्शन ए इज गिवन रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी इज गिवन इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी इज गिवन इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑप्शन डी इज गिवन सर्कमस्पेक्शन। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। चलिए आइए देखते हैं, इंस्पेक्शन मीन्स तो होता है जांच करना, और सर्कमस्पेक्शन मीन्स होता है आत्ममंथन। सर्कमस्पेक्शन मीन्स होता है समझदारी, और रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्ममंथन। रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है अतीत अवलोकन। The act of looking back on the past time, retrospection, option B is inspection, option C is introspection, option D is circumspection. Retrospection, अतीत अवलोकन करना, option A यहां पर सही हो जाएगा, अतीत अवलोकन करना। और inspection का मतलब होता है जांच करना। option C
इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ हो जाएगा आत्ममंथन और सरकमस्पेक्शन का अर्थ हो जाएगा सरकमस्पेक्शन का अर्थ हो जाएगा समझदारी। तो यहां पर ऑप्शन ए सही बैठता है, अतीत अवलोकन, पास्ट का अवलोकन करना, भूतकाल का अवलोकन करना, अतीत का अवलोकन करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन है, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए इज गिवन इनक्रेडिबल, ऑप्शन बी इज गिवन इनसैटियबल, ऑप्शन सी इज गिवन इम्प्रोबेबल, ऑप्शन डी इज गिवन इम्पॉसिबल। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ये देखते हैं, इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अतुल्य, जिसकी तुलना ना की जा सके। इनसैटिएबल का अर्थ होता है जिसको संतुष्ट ना किया जा सके। इम्प्रोबेबल का अर्थ होता है जो संभव ना हो। इम्पॉसिबल का भी अर्थ होता है जो संभव ना हो, असंभव। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इनसैटिएबल।